12 में डे 204 में नेक्स्ट टॉपिक अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अभी पिछली क्लास में हमने बात की थी उस तीन में कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कोई भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है आता है तो वो निश्चित आवृत्ति का प्रोटॉन उत्सर्जित करता है, उससे उसकी आवृत्ति और तरंग देने के बारे में बताया जा सकता है। वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस से और किस में पहुंचा है, तो उन दोनों के ऊर्जा डिफरेंस जो है एनर्जी डिफरेंस उस पर डिपेंड करेगी बात। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कैसे बढ़ते हैं, जब सेम वही बातें हैं, जब परमाणु जो है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब तब निश्चित आवृत्ति की तरंग उत्सर्जित होती है। इस तरंग को ही कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखा। स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। अब उच्च ऊर्जा स्तर से एक निश्चित ऊर्जा स्तर में जब आते हैं, उच्च का मतलब जैसे मान लो एक में आ रहा है तो एक में तो दो से भी आ सकता है, तीन से भी आ सकता है, चार से जिसमें वो पहुंचा था ऊर्जा लेकर वहां से वापिस आ सकता है, तो निम्न निश्चित ऊर्जा स्तर में किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब आता है तो एक निश्चित श्रेणी बनती है, निश्चित तरंगों का ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी। उसके बाद करें तो उच्च ऊर्जा स्तरों से जब परमाणु निश्चित निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब विभिन्न आवृत्तियों की स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए अपने पास फॉर्मूला एक है, क्या 1/λ = जो पिछली क्लास में 203 में हमने सॉल्व किया था 1/ni² - 1/nf² एन आई का मतलब है प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, एन एफ का मतलब है अंतिम ऊर्जा स्तर, कोई भी हो सकता है जहां से जहां पहुंचा है। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग श्रेणियों को के बारे में बताया कि अगर एन बराबर एक कक्षा में आएगा तो अलग श्रेणी बढ़ेगी, एन बराबर दो में आएगा तो अलग समूह बढ़ेगा, तीन में आएगा तो अलग बढ़ेगा, चार में आएगा तो अलग बढ़ेगा, पांच में आएगा तो अलग बढ़ेगा, इसी तरह से। तो उनको अलग अलग नाम दे दीजिए। सबसे पहले आती है इसके अंदर हम एक लिख लेंगे, बाकियों के बारे में बात कर लेंगे, सारी वही बात है लाइमन श्रेणी। परिभाषा हम एक ही लिखेंगे, सभी की नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी की सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है वो आ जाएगा। अब देखो लाइमन श्रेणी क्या होती है, जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ से 2, 3, 4, 5 अनंत से एन बराबर एक कक्षा में परमाणु आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, एन बराबर एक कक्षा में संक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे जो श्रेणी बढ़ती है वो कहलाती है लाइमन श्रेणी। इसका मतलब फिक्स हो गया ना, एन आई आएगा जिसमें एन बराबर एक में आएगा तो इसका मान तो निश्चित हो गया एक, और इसका मान कहां से शुरू होगा, एक से शुरू नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इसका मान कहां से शुरू होगा, दो से शुरू होगा, क्योंकि एक में तो है ही, अगर मान लो एक में ही है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन तो एक में तो है ही, वो आएगा कहां से, ऊपर से, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल जब आएगा तब क्या होगा, तब फोटोन एमिट होंगे, तब वेव्स एमिट होंगी, तब जो है सीरीज वो बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी।
तो इसके इसका मतलब क्या हो रहा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बामर, सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो बामर में क्या होगा, जब n बराबर 2 में आएगा, अब 2 में कहां से आएगा, 3 से, उच्च ऊर्जा स्तर से आएगा, ठीक है। 2 से जब 1 में जाएगा तब तो लाइमेंट में आएगा वो, लेकिन आना 2 में है, तो आना 2 में है, कहां से आएगा वो, ऊपर से आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से, 3 से, 4 से, 5 से, अनंत से, तो बढ़ेगी अगली श्रेणी बामर श्रेणी। तो अब क्रम ध्यान रख लें, लाइमन बामर पाश्चन ब्रेकिट फुंड, तो क्रम से ही है, पहली कब बनेगी, जब n बराबर 1 में आएगा तो लाइमन बढ़ जाएगी, n बराबर 2 में आएंगे तो बामर बढ़ जाएगी, सूत्र भी अपने आप बढ़ जाएंगे, याद भी रखने पड़ेंगे, और n बराबर 3 में आएंगे तो पाश्चन बढ़ जाएगी, n बराबर 4 में आएंगे तो ब्रेकिट बढ़ जाएगी। अब उनके लिए आगे की बात तो हो गई ना अपने आप, कि जो 4 में आएगा वो कहाँ से शुरुआत हो सकती है उसकी, 5 से हो सकती है, 6 से हो सकती है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, अनंत से आ सकता है, ठीक है। अगर 3 में आएगा तो कहाँ से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऊपर से किसी से भी आ सकता है। तो किसी का भी सूत्र पूछ लेते हैं बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, कि ब्रैकेट श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, तो सूत्र बना देंगे। तो ये नहीं लिखना है, अगर ब्रैकेट श्रेणी के लिए पूछ लिया तो ये नहीं चलेगा वहाँ, तो हमें बताना पड़ेगा किस में आएगा, कहाँ से आएगा। तो एक चीज तो निश्चित हो रही है इसके अंदर, निम्न ऊर्जा स्तर तो निश्चित हो रहा है, तो यहाँ एन आई की जगह हमें वो संख्या रखनी पड़ेगी कि एन का मान 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, क्या है, वो हमें बताना पड़ेगा। एक एक परिभाषा में पूरी लिख रहा हूँ, बाकी नहीं लिखेंगे फिर हम, बाकी नाम नाम लिखेंगे। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, यहाँ ध्यान रखना है उच्च ऊर्जा स्तर कौन से है, कहाँ से होंगे, 2 से होंगे, 3, 4, अनंत से, एन बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आता है, तब उत्सर्जित तरंगों के द्वारा निर्मित श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती। अब अपने लिख देंगे इसका फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एच इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/nF स्क्वायर लिख दो चाहे n स्क्वायर लिख दो, क्योंकि i और f तो कब लिखते हैं, जब दोनों के मान कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब श्रेणी फिक्स की बात होगी, जब नाम ही आ गया लाइमन वहां, तो फिक्स हो गया कि n बराबर 1 में आएगा, तो ये तो एक निश्चित हो गया। यहाँ एन एफ है ये, एन एफ, तो एन एफ को n लिख सकते हैं, यहाँ दो अलग अलग नहीं रहे, अब एक ही रहा है, एन एफ n लिख दो या एन एफ लिख दो, ये बात है। अब यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि n का जो मान है वो कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, और कुछ भी हो सकता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हम सारी श्रेणियों के बारे में लिखेंगे। एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछा जाता है कि ये जो श्रेणियां हैं वो किस किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात दूसरी क्या है कि लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ये भी दूसरा बात जो है ये भी पूछी जाती है। तो दोनों बातें हम ज्ञात कर लेंगे, अधिकतम के लिए भी और न्यूनतम के लिए भी। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला यही है, ठीक है। आप सारी बातें एक साथ लिख लें, लाइमन की लिख लेते हैं हम, फिर बामन पाश्चन ब्रैकेट के लिए बात कर लेंगे। एक बात ये पूछी जाती है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, प्राबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला, क्योंकि इसी से सॉल्व होगा। अब पूछा जाए कि अधिकतम तरंग दे रहे, अब ये नहीं कहा गया, जब ये कहते हैं भाई 3 से आ रहा है तो लाइमन के लिए आएगा तो 1 में आ रहा है 3 से, तो n का मान 3 रखे, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लिया, गुणा भाग कर लिया, उत्तर आ गया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस होते हैं आने में। क्या पूछा जाता है, लाइमन श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें पता नहीं अधिकतम कब बनेगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अधिकतम किस स्थिति में बनती है। देखो अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या ध्यान रखना है, अधिकतम कब बढ़ेगी, जस्ट इसके आगे वाले से जब आएगा इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसके आगे वाले स्तर से आएगा जहां एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, तो वहां जो तरंग उत्सर्जित होगी, जो
जो मान आएगा वो अधिकतम होगा, ठीक है। और न्यूनतम कब होगा? जब अनंत से आएगा, अनंत से आना तो एक में ही है, आना तो एक में ही है, जब अनंत से आएगा तब क्या होगा? न्यूनतम, ठीक है। जब नेक्स्ट से आएगा, जस्ट जस्ट नेक्स्ट से, जस्ट नेक्स्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल उसके आगे वाले से, दो है तो तीन से, एक है तो दो से, तीन है तो चार से, ठीक है, तो हमेशा क्या बनेगा? अधिकतम तरंग दैर्ध्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये बात ध्यान रहेगी तो सभी फॉर्मूले अपने पढ़ा लेंगे, सूत्र देखो सूत्र भी पढ़ जाएंगे और सब काम हो जाएगा। अब बात कर लें इसमें लाइमन सीरीज में अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी किसकी? जो तरंग उत्सर्जित होंगी उनकी। कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से? n बराबर 2 से n बराबर 1 में आएगा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रख लो जस्ट उसके आगे वाले से आता है तब अधिकतम तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है। और जब अनंत से, क्योंकि सबसे लास्ट वाले कौन सी? अनंत है, अनंत में हमने मान भी निकाला था, अनंत में ऊर्जा का मान जीरो हो जाता है, क्योंकि अब जब हम इसमें एक बटा अनंत रखेंगे तो जीरो हो जाएगा वो, ठीक है, तो उस समय न्यूनतम तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/λ = 1.09 × 10⁻⁷ −1/2 क्योंकि कहाँ से आएगा? जस्ट आगे वाले से। क्या आ जाएगा? 1.09 × 10⁷ ये हो जाएगा 1 − 1/4 ये वैल्यू क्या जाएगी? ये गुणा भाग आप कर लेंगे, 1/λ आएगा, तो लैम्डा में क्या कर दो? रिवर्स कर, निकाल लेंगे ये मान, मार्क कैलकुलेशन आप करके देख लेना जो भी वैल्यू आएगी। और अब बात आती है न्यूनतम के लिए, न्यूनतम किसी श्रेणी की बात कर रहे हैं, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब? जब कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन एन बराबर अनंत से किस में आएगा? एन बराबर एक में आता है, तब बनते हैं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। 1/λ = 1.09 × 10⁷ 1/2 − 1/αnt अनंत का किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। तो ये क्या हो गया? 1/1 2 हो गया ये, तो यही वैल्यू आएगी। देन 1/λ = 1.09 × 10⁷ लैम्डा निकालना, तो इसको 1/ कर दो, रिवर्स कर दो, और ये मान आ जाएगा मीटर में, मीटर में आएगा यूनिट, क्योंकि लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात आती है बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी की हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं यहाँ, बामर सीरीज की। बामर सीरीज में क्या होगा? जब किस में आएगा? एन बराबर 2 में आएगा। कहाँ से आएगा? उसके बाद से आएगा। उस 2 के बाद कहाँ शुरू होगा? 3 से शुरू होगा। तो एन बराबर 3, 4, 5, 6 अनंत से कहीं से भी आए, लेकिन किस में आ जाएगा? एन बराबर 2 कक्षा में आ जाए, एन बराबर 2 ऊर्जा स्तर में आ जाए, तो जो श्रेणी बनेगी उसको क्या कहते हैं? बामर श्रेणी बनेगी। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, कहाँ से? एन बराबर 3, 4, 5 और अनंत से किस में आए? एन बराबर 2 में आए, तो उससे जो श्रेणी बनेगी उसको क्या कहेंगे? बामर श्रेणी कहेंगे। तो 1/λ = क्या देगा? Rh × 1/n² − 1/nf². तो ये मान फिक्स हो गया 1/2² और ये हो गया एन स्क्वेयर। तो यहाँ से एन का मान कहाँ से शुरू हो रहा है? 3, 4, 5 से शुरू हो रहा है। तो ये तो गया फॉर्मूला इसका। अब दूसरी बात की कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक की, ये जरूर पूछा जाता है और ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बामर श्रेणी से आते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। जो विजिबल, जो हमने तरंगे दिखाई देती है, कलर दिखाई देते हैं जितने भी, वो सारे किस में आते हैं? सारे बामर श्रेणी में आते हैं, यानी ये जो तरंग दैर्ध्य होती है वो रंगों की तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसके लिए अधिकतम न्यूनतम की बात कर लें। अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब उत्सर्जित होगी? अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन एन बराबर 2 के जस्ट बाद कौन सी है? 3 से। किस में आएगा? एन बराबर 2 में आएगा। तो जो तरंग उत्सर्जित होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अधिकतम होगी। क्लियर। अब यहाँ से मान निकाले तो 1/λ = Rh × ये 1/4 हो गया, −1/3² 1/9 हो गया। तो तुम ले लो 36, लो उत्तम आ जाएगा, 9 − 4 = 5/36 रिवर्स कर दो, 1λ का मान आ जाएगा।
वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसी वे में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी घोड़ा भागी कर रहे हैं या ज़्यादा समय खराब नहीं कर रहे। इसी तरह से तीन श्रेणी और है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है लाइटमन बामन, फिर आती है पाषाण श्रेणी। ये दूसरी है, फिर आती है ब्रेकेट, और फिर आती है पांच नंबर। अब इनमें से हम कोई बात नहीं, इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। परिभाषा सबके लिखना चाहे तो ये लिखी हुई है, परिभाषा ऐसे लिखना है। बस अब अपने को ध्यान रखना है कि पाषाण कब पड़ेगी, जब किस में आएगा, एन बराबर तीन में आएगा। तीन में कहाँ से आएगा, चार पाँच छः सात आठ, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूँ तो वन अपॉन लैम्डा क्या आएगा, अब वन अपॉन आर एच, ये फिक्स हो गया ना। इसके लिए वन अपॉन तीन रह स्क्र वन अपॉन नो लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन एन स्क्र। यहाँ एन का मान कहाँ से शुरू होगा, चार पाँच छः सात। अधिकतम न्यूनतम के लिए ध्यान रख लेंगे, अधिकतम कब पड़ेगी, जब कहाँ से आएगा, एन बराबर चार से, किसमें तीन में। न्यूनतम कब बढ़ेगी, जब कहाँ से आएगा, अनंत से, किसमें तीन में आएगा, तो निश्चित तीन में। ठीक है, इसी तरह से फिर ब्रेकेट की बात करें तो वन अपॉन लैम्डा, इसके लिए ध्यान रखें ये अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्या, तीनों ही अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन अपॉन, ये किसमें आएगा, चार का स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर। कहाँ से स्टार्ट होगा एन का मान, पाँच छ सात और अनंत तक जाएगा। इसी तरह से वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू वन अपॉन पाँच छः स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन स्क्वेयर। एन का मान कहाँ से शुरू होगा, छः सात आठ और अनंत तक जाएगा। अधिकतम ये भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी अवरक्त क्षेत्र में ही पाई जाती है। अधिकतम न्यूनतम की बात करें तो वही बातें हैं, जब जस्ट इसके आगे से आएगा यानी पाँच से आएगा तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होगी, और जब अनंत से आएगा तो न्यूनतम। इसके अंदर बात करें तो जस्ट इसके आगे वाले से छह से आएगा तो अधिकतम, और अनंत से आएगा तो न्यूनतम। तो ये बातें जरूर आप शॉर्ट में नोट जरूर कर लें, ठीक है। जब भी रिवाइज करें तो ध्यान रखिए कब अधिकतम कब न्यूनतम। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछ जाते हैं कि बामर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो अपने को बताना चाहिए कि एन बराबर दो से आएगी तो अधिकतम होगी, तीन से सॉरी बामर में, और एन बराबर अनंत से आएगी तो न्यूनतम होगी। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तीसरा, अब इनका डायग्राम भी पूछ लेते हैं कि स्पेक्ट्रमी श्रेणी का चित्र बनाइए या चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो वो भी अपने कर लेते हैं इसके अंदर। वो जैसे हमने ऊर्जा स्तरों के लिए बनाया था वैसे भी बना सकते हो आप, कक्षाओं के रूप में भी बना सकते हो, किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये ऊर्जा स्तर कौन सा है, एन बराबर एक है, ये ऊर्जा स्तर एन बराबर दो है, इसी तरह बनाया था हमने एन बराबर तीन है, एन बराबर चार है, और ये एन बराबर पांच है, ये एन बराबर छह है, इसी तरह से अनंत तक चलते रहे। अब इनकी ऊर्जा लिखना चाहते हैं, ऊर्जा लिख दे, पहले लिख हुई हमारे पास। अब देखो n बराबर एक में आएगा तो कहां से आएगा, दो से आ सकते हैं, और तीन से आ सकते हैं, चार से आ सकते हैं, पांच से आ सकते हैं, छह से आ सकते हैं, और अनंत से आ सकते हैं। तो किससे जो श्रेणी बढ़ेगी, ये क्या होगी, ये लाइन। अगर चित्र बनाना हो तो ये बनाना, ये है डायग्राम, और कुछ नहीं है। यहां से दो में कहां से आ सकते हैं, तीन से, चार से, पांच से, छह से, अनंत से। तो इससे जो श्रेणी बनेगी, सीरीज बनेगी, वो कैसी बनेगी, बामर बनेगी। यहां से देखें तो इसमें तीन में जब आएगा तो कैसी बनेगी, पाषाण बनेगी। चार में जब आएगा तो ब्रेकेट बनेगी, ठीक है। पांच में जब आएगा तो सुन बनेगी। इस तरह इसकी जो वैल्यूज है वो प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा, हम इसको एज ए
सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स जैसे लेते हैं, कक्षाओं को जैसे लेते हैं, उस फॉर्म में भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी बढ़ा ले चाहे आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बढ़ा ले। हमें जैसे ये है कि श्रेणियों को कैसे व्यक्त करना है। जैसे बात करें तो ये नाभिक है किसी भी परमाणु का, ये इसकी पहली कक्षा है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है, ये छठी कक्षा है, ऐसे। तो जब पहली में आएगा ये n बराबर एक है, इसमें आएगा तो कहां से आ सकता है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, और भी आगे की कोई है तो वहां से और अनंत से भी आ सकता है। तो इससे जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइमन लाइमन सीरीज बनेगा। ये है n बराबर दो स्तर, इसमें कहां से आ सकता है, तीन से आ सकता है, चार से, पांच से, छह से, और कहां से आ सकता है, अनंत से। तो इससे जो सीरीज बढ़ेगी वो कैसी बढ़ेगी, बामर बनेगी, ठीक है। एन बराबर तीन में जब आएगा तो कहां से आ सकता है, तीन में, यहां से आ सकता है, चार से, पांच से आ सकता है, छह से आ सकता है, और भी आगे से आ सकता है। तो इससे जो सीरीज बढ़ती है वो कैसी बढ़ती है, फास्ट चेन सीरीज बनती है। अब एन बराबर चार में जब आएगा तो कहां से, पांच से आ सकता है, छह से आ सकता है, सात से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। तो इससे जो सीरीज बढ़ेगी वो कैसी बढ़ेगी, ब्रैकेट सीरीज बनेगी। अब n बराबर पांच में आए तो कहां से, छह से आ सकता है, सात से आ सकता है, अनंत से आ सकता है। इससे जो सीरीज बढ़ेगी वो कैसी बढ़ेगी, पीफोन सीरीज बढ़ेगी। तो इस तरह से भी दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऐसे बढ़ा के देखिए हमें, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है दोनों में, एक ही आप बढ़ा सकते हो, ध्यान रख सकते हो। भाई ऐसे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसे भी शुरू किया जा सकता है, दोनों एक ही बात है। तो ये पूरा पार्ट हो गया सीरीज के बारे में। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है यहाँ से। एक तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एक तो आप इस फॉर्मूले का विशेष तौर पे ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था पिछली क्लास में, ये फॉर्मूला, इससे ऊर्जा स्तर हम निकालते हैं पहली कक्षा का, दूसरी कक्षा का। तो अगर इस फॉर्म में पूछा जाए तो ऐसे सोल्व करना है, तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में पूछा जाए और आपको श्रेणी की बात कर दी जाए, स्पेशली श्रेणी, बामर श्रेणी के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पूछ लेते हैं बामर श्रेणी के न्यूनतम अधिकतम तरंग दैर्ध्य लिखिए, तो फिर आपको ये न्यूनतम अधिकतम का भी ध्यान रखना है। किसी भी श्रेणी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप क्रम से ध्यान रख लें कि सबसे पहले लाइमन आती है, फिर बामर आती है, फिर पास्टन आती है, फिर ब्रेकेट आती है, फिर कुंड आती है। तो पांचों को क्रम से ध्यान रख लें तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जब पहली है तो वो एक नंबर पे आ जाएगी, दूसरी है दो नंबर पे, तीसरी है तीन नंबर पे, तीन नंबर वाली है तो इसका मतलब तीसरी कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन, दो नंबर वाली है इसका मतलब दूसरी में आएगा, आएगा कहाँ से, कहीं से भी आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत कहाँ से होगी, जस्ट उसके आगे वाले से, मिनिमम लेवल उसका वो है, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो ये लगभग चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, थोड़ा एक दो बातें और हैं कि ये हाइड बोर मॉडल की कमियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो वो बातें और हम आगे क्लासेस में कर लेंगे, तक कर लें आप इसका।